हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 2019 में राजगीर में कुक भर्ती के लिए वैकेंसी आया हुआ है। बहुत से लोगों ने बोला था कि सर उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप बिहार पुलिस, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाला पर देख सकते हैं। इस वाला ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर जाने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्लिक कीजिए, खुल कर ये आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक इसी वाला पर आपको आकर क्या करना है, यहाँ पर रसोईया, ये देख लीजिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है रसोईया के लिए। तो इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो ये खुल कर आ जाएगा। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इसके बारे में पता हो। ठीक, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पढ़कर, ये देखिए जो भी है, ये 16/7/2019 को राजगीर द्वारा निर्गत किया गया था, लिखा गया था। और यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस, यहाँ से विज्ञापन, बिहार सरकार, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में परिचारी विशिष्ट मिस की रसोईया पदों के लिए नियुक्ति चाहिए। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कितना कुल पद है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका जो टोटल पद है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि जो 10 है, कुल मिलाकर पद जो है 10 है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इसे अभ्यर्थी को कब से भरना है ये भी देख लीजिए, ये फॉर्म जो भरना है आपको कब से भरना है। ठीक, उम्र कब से होगा काउंट, 1 जनवरी 2019 को उम्र काउंट होगा आपको इतने तक, और 18 वर्ष मिनिमम चाहिए और अधिकतम कितने चाहिए, 37 वर्ष चाहिए। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। समान पुरुष के लिए चाहिए, और जैसे पिछड़ा आयोग के लिए आप समझ सकते हैं, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा आयोग के पुरुष महिला, इसके लिए छूट मिलता है। जैसे OBC के लिए 3 वर्ष मिलता है, SC ST के लिए 5 वर्ष मिलता है, ऐसे छूट इसमें भी है। ठीक, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, कि आपका क्या होना चाहिए, तो आपको कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, परिचारी विशिष्ट रसोईया के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। चिकित्सीय, जैसे चिकित्सा परीक्षण होता है मेडिकल, वैसे मेडिकल होगा। और रिटेन में क्या होगा, तो रिटेन में आपको क्या करना है देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। परिचारी विशिष्ट रसोईया के लिए लिखित परीक्षा हिंदी में सिर्फ, आवेदन हिंदी पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान होना चाहिए, कि हिंदी में आप आवेदन लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो सरल हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और इसके लिए आपको 1 घंटे के लिए समय दिया जाएगा। ठीक, फिर शारीरिक परीक्षा जो होगा, शारीरिक मीन्स कि आपका फिजिकल जो होगा, पुरुष के लिए होगा 1 मील, मीन्स कि आपको 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा, और यही महिला के लिए 1 किलोमीटर मात्र कितने में, तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है महिला के लिए 10 मिनट में, और 1600 मीटर पुरुष के लिए दौड़ना है। यही था, इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो पत्र होगा यहाँ पर, व्यवहारिक योग्यता पत्र, जो द्वितीय स्तर पर पार करते हैं उनके लिए होगा, जिसमें परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे और 30 अंक उसमें लाना आपको चाहिए, 30 अंक कम से कम। इसके लिए व्यवहारिक परीक्षा होता है, जो आपके बारे में पूछा जाएगा, कुछ आपके रसोईया के बारे में पूछा जाएगा, जो जो रसोईया में पूछा जाता है। इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, फॉर्म देखिए, फॉर्म जो है ये यहाँ से आप ऑफलाइन देख सकते हैं, ऐसा फॉर्म होगा। ठीक, नीचे फॉर्म भी दे दिया गया है, ये फॉर्म ही है नीचे, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। तो इसमें ये आप कर इस पर लिख कर ये राजगीर जो भी भेजना है वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक, पहले ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिए। अच्छा वेतन है, वेतन अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भेजना है दिनांक वहाँ पर। ठीक, आवेदन पत्र उपनिदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भेजना है, यहाँ पर ये पते पर आपको भेजना है। ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से जो पत्र है ये उपनिदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के यहाँ 1/8/1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपको भेजना है। ठीक, ये आपका जो जो इसमें मांग रहा है OBC के लिए सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डिग्री होगा और कुछ विशेष डिग्री भी होगा पहले रसोईया के बारे में, तो वो भी आप भेज सकते हैं। बिहार पुलिस में ये वैकेंसी था। ठीक, तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, और एक न्यूज़ आ रहा है आपको, जैसे कि अभी न्यूज़ एक और फॉल्स न्यूज़ सर्कुलेट किया जा रहा है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है, तो पुराना वाला ही नोटिफिकेशन है, वहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर मात्र वो फॉल्स जो है न्यूज़ आपको सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे, तो फॉल्स न्यूज़ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, वो कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। ठीक, और एक बात, मैं उसके बारे में जल्द अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लोग फॉल्स कर कैसे कहां पर वो उसको मॉडिफाई कर वो भेज रहे हैं। ठीक, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।